हमें पता चला कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे भी पत्थर मौजूद हैं जिसमें घंटी जैसी आवाज आती है। तो चलिए, बहुत दुर्गम रास्ता था, हमने काफी मुश्किल से हम और हमारे सहयोगी मुरारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत मुश्किल है इस प्रकार की चीज़ों पर जाना और ये सीजन में खास करके। तो देखेंगे कि क्या वास्तव में कुछ पत्थर ऐसे हैं जिसमें घंटी बजेगी, या फिर ऐसे ही कोरी अपवाह है। झारखंड में हम आपको झारखंड जीके और झारखंड की संस्कृति पर कई चीज़ें बताते हैं, और बीच बीच में इस प्रकार की चीज़ें भी हम तक नॉलेज में आती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि चलो आपको ये तस्वीर भी दिखाई जाए, कि थोड़ा रास्ता खोजना होगा और खोज करके जाना होगा। दुर्गम पहाड़ी है और काफ़ी फिसलन रास्ता है इन दिनों, तो हम लोग कोई अब तो डिस्कवरी चैनल वाला ट्रेनिंग लिए नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं इसमें चलने और आपको बताएंगे। ऊपर जब चढ़ जाएंगे तब आपको बताएंगे कि क्या वास्तव में घंटी बजने वाली खबर सही है। देखते हैं, चलिए। होता है तो बहुत मुश्किल होता है इन स्थानों पर आना, और आपको चलिए कोशिश करते हैं कि जीके की जानकारी, ये चट्टान जो है ना, ये भी साथ में बता देते हैं आपको। झारखंड में अमूमन मोटे तौर पर देखेंगे तो सबसे अधिक जो चट्टान है वो चट्टानें यहाँ पर बेसाल्ट, ये जो हम पत्थर देख रहे हैं ना, बेसाल्ट इग्नियस चट्टान होती है। और ये छोटा नागपुर की विशेषता है कि यहाँ पर इस प्रकार के चट्टान जो है आपको नजर आ जाएंगे, और बहुत मतलब देखिए ये थोड़ी ब्लैकिश दिखती है चट्टान, और खेती में इसमें से जो मिट्टी बनता है, जो आप सुनते हैं काली मिट्टी, वो इसी चट्टान से डेवलप होता है, ब्लैक सॉइल वाली है। और बहुत ऊंचाई है अभी बचा हुआ, चढ़ना है चलिए। और आपको बता दें कि यहाँ ग्रेनाइट भी है, वो भी पत्थर दिखाएंगे, और डोलेराइट, ये तीन मुख्य इग्नियस चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। बेसाल्ट जो है इसमें अमूमन ये मिट्टी थोड़ी काली होती है। इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों पर चलना, और एक भी पत्थर अगर आपका स्लिप कर गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम जैसा बता रहे थे कि बेसाल्ट चट्टान है, और बेसाल्ट चट्टान के अंदर भी वाटर रहता है, कहीं कहीं पर इन चट्टानों के अंदर भी वाटर जमा हो जाता है। और इग्नियस रॉक आप जैसे जानते हैं ना, इसके अंदर जो वाटर होता है उसे जुवेनाइल कहते हैं, ये भी जीके में इम्पोर्टेंट है। और सोचना पड़ता है ऐसी ऊंचाई पर जाने के लिए कि कोई पत्थर अगर स्लिप कर जाए तो काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ जाए और आपको वो तस्वीरें दिखाएं। तो ये हम तो काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हमारी, चलिए हम अभी फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये यहाँ तक पहुँच गए। चेक करते हैं, लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर जिसमें घंटी की आवाज़ आती है, तो ये सच है क्या, ऐसा होता है कि नहीं? देखते हैं, अलग अलग पत्थरों पर घंटी की आवाज़ आती है। उधर भी एक पहाड़ है, देखिए अगर हम लोग दूसरे पहाड़ पर आ गए होंगे, पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा नीचे का नज़ारा दिखाइए, यहाँ से आप ये नीचे का नज़ारा देखें। बेसाल्ट चट्टान, ये पूरा बेसाल्ट चट्टान है, और डोलेराइट और ग्रेनाइट है यहाँ पर, जहाँ के लिए चले थे। लेकिन देख लेते हैं ना, देखिए अभी आपको स्कूल की घंटी सुनाई देगी, और ये देखिए इसमें ये पत्थर से हम इस पत्थर पे बजाते हैं, देखिए ना, है ना चमत्कार। झारखंड में देखिए पत्थर पे पूरा, देखिए पूरे पत्थर पर अगर आप मारेंगे तो ये घंटी की आवाज, ये देखिए, ये देखिए। और ये हमें लगता है कि इस पत्थरों में पूजा भी होती है, कुछ कुछ पत्थर पे
इसमें है कि नहीं? देखिए इसमें कोई विशेष नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। इसमें है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसमें भी देखिए ज्यादा ऊंचा आवाज नहीं आ रहा है। देखिए इसमें तो एकदम नहीं है, ये देखिए एकदम से नहीं है। लेकिन इसको देख लेते हैं, ये देखिए ये तो गजब का चमत्कार है। देखिए कुछ पत्थरों पर बेसाल्ट के चट्टान है और इस पर देखिए कि आप इस प्रकार की घंटी बजने की आवाज है। यहाँ तक हम आए और जब इसे देखे तो बहुत दिल खुश हो गया। झारखंड में ऐसी कई चीजें हैं। और ये पहाड़ को क्या नाम से जानते हैं मुरारी, आपको पता है? तोलाई पहाड़ तो बोलते हैं सर। तोलाई पहाड़ इसे कहा जाता है। और देखिए ये बहुत, इसको दिखाइए थोड़ा, यहाँ से काफी पत्थर यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर नजर आएंगे, बेसाल्ट के सारे चट्टान है। और ज्योग्राफी में आप समझ भी लेंगे कि इग्नियस चट्टानों में बेसाल्ट वोल्केनिक रॉक होता है। राजमहल की पहाड़ियों पर जब जाएंगे तो ये चट्टान नजर आ जाएगी, वहाँ डलमा में भी यही नजर आ जाएगी। और झारखंड के प्रत्येक प्रांत में ये जो नजारा आपको देखने को मिलता है, और ये जब मिट्टी बनती है तो ब्लैक सोल होता है, दक्षिण भारत वाली जो काली मिट्टी है वो इसी से बनती है, और इसमें एक टाइटेनियम होता है जिसके चलते ब्लैक सोल होता है। लेकिन घंटी क्यों बजता है, हमने कई इसमें जियोलॉजिस्ट से बात किया और उनसे भी पूछा कि थोड़ा आप बताएं कि घंटी बजती क्यों है। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि इस प्रकार से कई सारे पत्थरों पर कई, देखिए इसमें भी आवाजें हैं, इसमें भी आवाजें हैं, तो कई सारे पत्थरों पर ये चीजें हैं। और इसलिए ये काफी इस जगह पे भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं प्रत्येक वर्ष। खतरनाक होता है नीचे उतरना, और ये देखिए बहुत सावधानी के साथ उतरना है पर्वतों पर। दूसरी समस्याएं आती हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार के चट्टानों का आप ये देख, चढ़ना तो आसान होता है, ये सबके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो चढ़ गए थे, लेकिन उतरना वास्तव में काफी दिक्कत होता है। देखिए ये उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीचे एक भी आपकी गलती हुई तो आप सारा नीचे चढ़ जाएंगे। काफी थकावट हो गई है, क्योंकि पर्वत पर चढ़ने के बाद नीचे उतरना आसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ी नुकसान हुआ हमें, बट हम नीचे उतरे फाइनली। तो पानी आपको अपने साथ रखना है जब कभी भी आप जाएं। इसके पीछे पहाड़ था जिस पर हम चढ़े थे और फिर अभी नीचे उतरे हैं। तो चलिए थोड़ी चट्टान की जानकारी आपको दे देते हैं कि ये धारवाड़ काल की चट्टान है। ऐसे तो झारखंड की उत्पत्ति जो है ये छोटा नागपुर का पठार जो है आर्कियन काल का है, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक का जो धारवाड़ एरिया है उसका एक्सटेंशन माना जाता है, इसलिए छोटा नागपुर नाम भी पड़ा है, नागपुर वहाँ है। और यहाँ पर वोल्केनिक जब इरप्शन हुआ था तो वो लावा से जमा होने के बाद वो चट्टान बना जो आपको हम दिखा रहे थे। कुछ नीचे भी आपको दिख रहा होगा जो बह करके लावा नीचे तक आया होगा, तो वो भी बना होगा। और इसमें जो सबसे गहराई में बनता है वो ग्रेनाइट होता है, जिसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, और जो बीच में बनता है पृथ्वी के उसको हिपाबिसल कहा जाता है, और ये सबसे ऊपर जो वोल्केनिक चट्टान है। तो मूल रूप से झारखंड में इग्नियस चट्टान सबसे ज्यादा है, और जहां जहां पर चट्टाने होंगी, जहां जहां पर राजमहल डलमा जैसी पहाड़ होगा, वहां पर ब्लैक सॉइल भी आप आराम से याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि बहुत पुरानी है ये, तो कहीं पर भी ग्रेनाइट जब भी होता है तो मेटामॉर्फिक होकर के, चेंजिंग होकर के वो सिस्ट बनता है, बेसाल्ट सिस्ट बनता है या निश बन जाएगा। तो सेल जैसे कि सेडिमेंटरी चट्टान भी झारखंड में है, बट वो मेटामॉर्फिक